जबलपुर के ग्रामीण अंचल मझौली एवं मझगवा के 70 मजदूरों को महाराष्ट्र से सकुशल लेकर आई जबलपुर पुलिस। आपको बता दें कि थाना मझौली अंतर्गत ग्राम उमधरा, खितौला, पड़वार, खमरिया एवं थाना मझगवा अंतर्गत ग्राम खेरहनी के 70 मजदूर महाराष्ट्र के सोलापुर के पास काम करने के लिए गए थे, परंतु पैसों की कमी के चलते वह मजदूर दीपावली में वापस शहर नहीं लौट पा रहे थे, जिसकी जानकारी विधायक अजय विश्नोई को लगी एवं उन्होंने इसकी जानकारी मझौली थाना प्रभारी अभिलाष मिश्रा को दी। अजय विश्नोई के द्वारा जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा से इन 70 मजदूरों को वापस लाने के लिए मदद के लिए कहा गया, जिसके बाद आज जबलपुर पुलिस के प्रयासों के द्वारा इन 70 मजदूरों को सकुशल जबलपुर वापस लाया गया। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला सोलापुर महाराष्ट्र में अंतर्गत तालुका पंडारपुर में कुछ लेबर हमारे फंसे हुए मछली क्षेत्र में, उनको लेने के लिए हम यहाँ पे जनसमास गए थे एनजीओ उसकी टीम को लेकर और लोकल स्टाफ की मदद से हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ को जानकारी लगी कि पंडारपुर के अलावा मंगलवेला में भी कुछ लेबर मझौली क्षेत्र के फंसे हुए हैं। हमारे माननीय एसपी साहब और वहाँ पे हमारे एसपी साहब ने सोलापुर एसपी साहब से कॉन्टेक्ट करके वहाँ के लोकल इस पर हम दोनों जगह से जाके मजदूरों को रेस्क्यू कर पंडारपुर रेलवे स्टेशन पर ले जाए जहाँ पर जैसे आज मजदूर यहाँ पर। अभी तक जाँच में क्या पाया, कौन ले गया था और उसकी गिरफ्तारी हुई या नहीं, इस बात की जाँच चल रही है। मजदूरों वहाँ की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं था, मजदूरों के पास धन का अभाव था, इसके लिए वो आने में लोकल पुलिस की मदद से और हमारी मदद से। कितने मजदूर इसमें थे? 70 की संख्या में मजदूर हैं जिसमें छोटे बच्चे महिलाएं। इन मजदूरों ने कुछ बताया कि इनके साथ गए थे ये, कौन लेकर गया था और किस लिए लेकर गए? मजदूर वर्तमान में थोड़ा परेशानों से बातचीत नहीं हो पाई है प्रॉपर तरीके से, इसकी जाँच। ब्लॉक के 75 आदिवासी भाइयों को कोई बहला फंसा के महाराष्ट्र में ले गया, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर सोलापुर में जाकर गिरफ्तार करी जैसी स्थिति ले ली, और इनको ना काम दे रहा था ना पैसा दे रहा था, लालच था कि 400 रुपये रोज देंगे। जब ये आना चाह रहे थे तो इनको आने भी नहीं दे रहा था, तब इन लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर था, इनने मुझको संपर्क किया, मैंने वहाँ की पुलिस अधिकारियों को भेजा तो उनको वो शायद वहाँ के ठेकेदार से मिल गए और उन्होंने ये खबर दी कि साहब वो सम्राजी खुशी है। जब मेरी उनसे बात हुई तो एसपी साहब से बातचीत करी, एसपी बहुगुणा जी ने यहाँ से एक टीम हमारे विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों की बना दी और वहाँ भेजी, और वहाँ सामने आई, उसके बाद इन सारे आदिवासी भाइयों को हम वहाँ से लेकर यहाँ आए हैं। अब ये हमारी नैतिक जवाबदारी बनती है कि इनको इनके घर गांव तक इस दिवाली के त्यौहार के अवसर पर पहुँचाया जाए, तो आज भोजन पानी लेके उनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं।